देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट करा था, टॉपिक का नाम था ईएआर। क्या स्टार्ट करा था? ईएआर। अच्छा, हेलो फॉर्म होने के लिए कितने अल्फा? एक, है ना, एक। हेलो फॉर्म होने के लिए तीन, एल्डोल के लिए। अच्छा, मैं भूल गया क्या? अच्छा, बुढ़ापा आ गया मेरा, ठीक है। बताओ, हेलो फॉर्म के लिए, एल्डोल के लिए, कैनेजारो के लिए, हेलो फॉर्म के लिए, एल्डोल के लिए, कैनेजारो। अब मैं सही हो गया ना, आप लोगों ने सही करा है मुझे। बताओ, हेलो फॉर्म के लिए तीन, एल्डोल के लिए एक, हेलो फॉर्म के लिए। अब क्या सुरताल लगा रहा है? गलत गलत। मैं सोच रहा हूं आप लोगों के लिए कि कोल्ड ड्रिंक मंगा दूं, गर्मी बहुत ज्यादा हो गया है, सही रहेगा? कितने जने हो आप? 70-80 होंगे। कौन सी मंगाऊंगा? स्प्राइट कैटरीना वाली है। शौक भी तेरे खतरनाक है, है? तेरी शादी का रिश्ता है तो बोलेगा क्या, कैटरीना कैटरीना से कराओ मेरी शादी है, या कैटरीना की बेटी से कराओ है। चलिए, कोल्ड ड्रिंक आ रही है, कोल्ड ड्रिंक मंगाई जा सकती है इन लोगों के लिए? कोई नहीं है, कोई है ही नहीं, छोड़ो, किस्मत खराब है तुम्हारी, ठीक है। चलिए बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं आर। आर बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन कौन देता है? अल्कीन एंड अल्काइन। इंटरमीडिएट जो बनता है वो क्या बनता है? कार्बोकैटायन। क्या बनता है? कार्बोकैटायन। क्या कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करना आता है? पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। अच्छा, ये बताओ, इस कार्बोकैटायन के पास कितने अल्फा? दो है या तीन है? क्या ये कार्बोकैटायन पड़ोस में जाएगा? ले जाओ। कितने अल्फा? क्या बेटा फिर से पड़ोस में जाएगा? ले जाओ। कितने है? क्या यहां पहुंचने पर कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया? क्या शिफ्टिंग हमेशा एक और दो के बीच में होगा, वन और टू के बीच में, एक एक स्टेप से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये बताइए, ये कैटाइन आपको दे दिया, बताइए बेटा कार्बोकैटाइन पड़ोस में है, घर की बहू? जैसे ही करीना घर के अंदर जाएगी, क्या घर स्टेबल हो जाएगा? क्या घर में खुशी आएगी? नहीं आएगी, आएगी। अब साहब, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन, ठीक है, हमारा पहला रिएक्शन है HBr HCl HI, दूसरा रिएक्शन है डाइल्यूट H2SO4, एंड तीसरा रिएक्शन है OMDM, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन, जिसमें रिएजेंट मर्करी एसिटेट एंड वाटर यूज किया जाएगा। सेकेंड स्टेप में NaBH4, एंड फोर्थ जो रिएक्शन है वो है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसके बाद फिफ्थ रिएक्शन है हेलोजिनेशन, एंड नेक्स्ट रिएक्शन जो है क्लोरीन वाटर एंड ब्रोमीन वाटर। These are the reaction of electrophilic addition reaction, ठीक है। तो चलिए, कल मैंने आप लोगों को जो है एक mechanism बताया था कि कार्बोकैटायन कहां पर बनेगा। बताइए, H plus की presence में कैटाइन A पर बनेगा, B पर? A, B, A पर, B पर, B पर बनेगा, तो कितने अल्फा होंगे? छह होंगे, सात होंगे, छह। तो साहब, H plus की presence में आपको कार्बोकैटायन बनाना है, पाई बॉन्ड घुमाया, घूमने के बाद यहां पर कार्बोकैटायन बना। बताइए इसके पास कितने अल्फा हैं? छह। अच्छा, बेटा कार्बोकैटायन अड़ोस पड़ोस कहीं जाएगा? नहीं जाएगा। मान लीजिए बेटा, अगर आप ये रिएक्शन HBr के साथ करा रहे हैं, किसके साथ? HBr के साथ, तो HBr कैसे टूटेगा? H प्लस एंड Br माइनस। तो साहब, फर्दर Br माइनस इस कार्बोकैटायन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा और यहां पर आकर जुड़ जाएगा Br, और यहां पर इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। मान लीजिए ये रिएक्शन आप HCl के साथ करा रहे हैं, तो यहां पर बच्चों इस जगह से जो है आकर क्या जुड़ जाएगा? Cl।
अगर आपने यही रिएक्शन HI के साथ कराई तो यहां पर आयोडीन आकर जुड़ेगा और यहां पर क्या जुड़ जाएगा, आई। तो पहला H+ को जोड़कर आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। अब आपको पता होना चाहिए कार्बोकेटाइन कहां स्टेबल बनेगा। जैसे अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, यहां पर यह दे दिया, अब HCl दिया है, बताइए कार्बोकेटाइन ए पर ज्यादा स्टेबल या बी पर? क्या ए पर सपना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा क्या? ये पाई बॉन्ड सही घुमाया गलत? सही है, सही है गलत है? ओके, अब बताइए ये पाई बॉन्ड सही है या गलत है? यहां क्या आएगा? NI। क्या आएगा? NI। और NI बेटा ये H+ खा जाएगा और खाने के बाद जो केटाइन यहां पर बनेगा, हर एक कार्बोकेटाइन का सपना उसका पड़ोसी कैसा होगा? लल्ला लोन पेयर वाला। क्या इसका सपना पूरा हो रहा है क्या? तो ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बना और इस स्टेबल कार्बोकेटाइन पर आकर साहब यहां पर जुड़ गया CL और इस तरह से जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखना है, ये नहीं रटना है हाइड्रोजन वहां जुड़ेंगे जहां हाइड्रोजन का नंबर कम और ज्यादा है। अगर ऐसा किया तो आप बर्बाद हो। बताओ कार्बोकेटाइन ए पर बनेगा बी पर? ए। इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस है। ले रहा है या दे रहा है? ले रहा है। यहां वाले केटाइन को क्या करेगा? अनस्टेबल या स्टेबल? तो बताओ केटाइन ए पर बनेगा बी पर? ए पर? ए। बी? ए। तो भाई साहब केटाइन बी पर बनेगा क्योंकि यहां वाले काले केटाइन को NO2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या कर देगा? अनस्टेबल। तो साहब यहां पर जहां केटाइन बनेगा उस केटाइन पर क्या जुड़ जाता है? Cl। तो जहां केटाइन बनेगा वहां यहां क्या जुड़ जाएगा? Br। ये नहीं रटना है हाइड्रोजन का, वहां जुड़ेंगे, जुड़ते रहेंगे, वहां जुड़ेंगे जहां जुड़ेंगे, भाड़ में जान दो उस रूल को, ठीक है? ये देखिए, बताओ केटाइन ए पर बनेगा बी पर? मुझे नहीं आता, आप बताओ। बी पर ए पर बनाओ, कितने अल्फा? क्या ये पाई बॉन्ड सही है या गलत है? अब साहब केटाइन बना, क्या केटाइन पड़ोस में जाएगा? नहीं जाएगा? जाएगा। तो बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में चला जाएगा, पड़ोस में जाकर ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा? और बनेगा, इसे पानी पिलाना, यहां पर क्या जोड़ना है? Br। क्या जोड़ना है? Br। और जैसे ही Br यहां पर जोड़ेंगे साहब, यहां पर जुड़ जाएगा क्या? Br, ठीक है? अगर HCl दिया होगा तो क्या जुड़ेगा? Cl। HI दिया होगा तो क्या जुड़ेगा? I। तो बताइए क्या HBr HCl HI में रीअरेंजमेंट होता है या नहीं होता है? होता है भाई साहब। इस पूरी रिएक्शन में स्टार्टिंग के दो में रीअरेंजमेंट होता है, बाकी में रीअरेंजमेंट नहीं होता। मगर पाई बॉन्ड जो है आपको कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग घुमाना है। बताओ HBr HCl HI में रीअरेंजमेंट होता है? डाइल्यूट एस्टर्स ऑफ 4। अच्छा, बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीनेशन। HBr HCl HI में रीअरेंजमेंट होता है? NO2 को NH2 बनाना आता है? क्या डालते हैं? SNHCl FeHCl H2PdO। बीड़े HBr HCl HI में रीअरेंजमेंट होता है? स्टार्टिंग के दो में होगा, बाकी में होगा या नहीं होगा? अच्छा, डाइल्यूट एस्टर्स ऑफ 4 में? OMDM, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, HBO, हैलोजिनेशन, बाकी में नहीं होगा, सिर्फ स्टार्टिंग के दो में होता है। अब मान लीजिए बेटा हम बात करते हैं सेकेंड रिएजेंट जिसका नाम है डाइल्यूट H2SO4। तो रिएजेंट वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है? डाइल्यूट मतलब पानी प्रेजेंट है या नहीं है? सोच लो, पानी है या नहीं है? है। तो भाई साहब डाइल्यूट मतलब तो पानी प्रेजेंट है। H2SO4 क्या प्रोड्यूस करेगा? H+। H+ कहां से आ रहा है? H2SO4 से। और पानी कहां से आया? हमने मिलाया, जो डाइल्यूट बनाने के लिए पानी मिलाया वहां से पानी आया। तो बताओ H2SO4 क्या पानी से, H+ जो है पानी से आया या H2SO4 से? मान लीजिए बेटा एग्जामिनर ने ऐसा लिख दिया डाइल्यूट T2SO4, तो बताइए यहां D2SO4 से क्या आएगा? D+। और डाइल्यूट मतलब क्या मिलाया? पानी। तो बताइए D+ कहां से आ रहा है? D2SO4 से। अब जाब रिएक्शन में अगर H+ H2O लिखा हो या डाइल्यूट H2SO4 लिखा हो, दोनों का मतलब सेम रहता है। बताओ H+ कहां से आया? H2SO4 से। पानी कहां से आया? हमने मिलाया। मान लीजिए आपने जो है H+ लिखा और D2O लिखा, बताओ H+ कहां से आया? D2O से ही, H2SO4 से? H2SO4 से।
और ये D2O भारी पानी मिला दिया वो D2O है। अगर एग्जामिनर ने D+ D2O लिख दिया, बताइए D+ कहां से आया? बहुत सारों का फर्जी कॉन्सेप्ट होता है D2O से आता है, बताइए D+ कहां से आया? D2SO4 से। और D2O कहां से आया? हमने मिलाया। क्या मिलाया? क्या मिलाया? पानी मिलाया। तो चलिए रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। यहां पर साफ जो है, अगर एग्जाम में H+H2O लिखा है तो बताइए बेटा कार्बोकैटायन ए पर बनेगा बी पर? ए पर, बी पर, बी पर बना। अब उस बी पर जो कैटाइन बना, उस कैटाइन को हम पानी पिलाएंगे। तो जैसे ही ये लल्ला लोन पेयर इस कैटाइन को दिया जाएगा, देने के बाद साहब इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव आते ही ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनने के बाद ये क्या बन जाएगा? अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी? मुझे नहीं आता, प्राइमरी है सेकेंडरी है? ऑक्सीडेशन का नाम सुना है क्या? प्राइमरी अल्कोहल में यदि PCC डाला क्या बनता है? LDI। और अगर KMnO4 डाला क्या बनता है? एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल में कुछ भी डालो क्या बनता है? कीटोन। और टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो बताइए प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? LDI। सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। और प्राइमरी अल्कोहल में KMnO4 डाला तो क्या बनेगा? एसिड। तो बताओ प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना है तो PCC डाले KMnO4, और प्राइमरी अल्कोहल को एसिड बनाना है कौन सा? फोर KMnO4। कौन सा? फोर KMnO4। तो यहां पर अब देखो बेटा, अगर ये D2O होता तो D2O होता साब लोन पेयर कौन देता? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आता? पॉजिटिव। किससे छीन लेता? डी से। तो बताओ यहां पर जुड़ता क्या? ओडी। तो बताओ D2O से क्या जुड़ेगा? ओडी। H2O से क्या जुड़ेगा? OH। और D2O से क्या जुड़ेगा? OD। मान लीजिए बेटा यहां पर ऐसा फोटो होता, दारू दिया होता। क्या दिया होता? दारू। तो मिथेनॉल जब यहां पर दिया होता तो लोन पेयर इसे इलेक्ट्रॉन देता, तो यहां पर साहब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आते ही हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनता। बताइए यहां पर CH3OH से क्या जुड़ता? OH या OCH3? बताओ H2O से क्या जुड़ता? आगे बढ़ ही नहीं सकते अगर ये नहीं आता है तो, क्यों बर्बाद हो जाएगी रिएक्शन। H2O से क्या जुड़ेगा? D2O से? CH3OH से? ETOH से? OTT या OET? ओके, तो अब भाई साहब यहां पर अगर H2O दिया है, बताओ क्या जोड़ोगे? अच्छा ये दिया, बताओ क्या जोड़ोगे? अच्छा ये बताओ क्या जोड़ोगे? OH क्या जोड़ेंगे? अच्छा ये बताओ, ये वाला दिया है, ये बताओ क्या जोड़ेंगे? OCH2CH3। वेरी गुड, ठीक है। ये बताओ ये दिया है क्या जोड़ेंगे? अच्छा ये दिया है, बताइए क्या जोड़ेंगे? O5 member ring। क्या जोड़ेंगे? O5 member ring। अच्छा ये बताओ ये दिया है, बताओ क्या जोड़ेंगे? O6 member ring। अच्छा ये दिया है, बताओ क्या जोड़ेंगे? O4 member ring। अगर ये दिया है, बताओ क्या जोड़ेंगे? OE। क्या जोड़ेंगे? OE। पूरा का पूरा जोड़ देंगे। समझ में आया? क्वेश्चन देखा हुआ नहीं आएगा मगर कॉन्सेप्ट देखा हुआ आएगा। अगर एरो के ऊपर H+H2O लिखा रहे, नीट एग्जाम AIPMT एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला। 10 सालों में कम से कम 10 बार पूछ लिया ये। अब आपको आना चाहिए, अगर आपको नहीं आता तो आप बर्बाद हो गए। तो मुझे नहीं लगता आप अपने आप को बर्बाद करना चाहते हो। क्या बर्बाद करना? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक है। तो यहां पर साहब जो है, तो H2O दिया है, OH जुड़ेगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पर साहब मैंने आपको H+ दिया और D2O दिया। रिएक्शन का नाम है एसिडिक हाइड्रेशन। क्या नाम है? एसिडिक हाइड्रेशन। पानी से दारू बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पानी से दारू। घर पे भी ट्राई कर सकते हैं आप। पानी से क्या बना रहे हैं हम? दारू। बताइए H+ जोड़ के कैटायन ए पर बनेगा बी पर? ए। बना दो, बनाएगा क्या? अब बताओ D2O जोड़े या H2O जोड़े? यहां क्या दिया है? D2O। तो जोड़ेंगे क्या? D2O। बताओ D2O से क्या जुड़ेगा? OH या OD? OD। तो यहां पर H2O होता तो क्या जुड़ता? OH। अच्छा यहां पर H+H2O लिखा, पहले तो बताओ कार्बोकैटायन ए पर बनेगा बी पर? बी पर। बन गया, बेटा पड़ोस में जाएगा, ले जाओ। अब क्या मैं D2O जोड़ू या H2O? OH गया भाड़ में, पहले बताओ D2O जोड़ेंगे या H2O?
H2O से क्या जुड़ेगा? OH। तो साहब यहां पर H2O से ये जुड़ जाएगा क्या? OH। और इस तरह से वाटर का ऐड होना कहलाता है हाइड्रेशन। एसिडिक मीडियम में हो रहा है इसलिए बोलते हैं एसिडिक हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रेशन। अब साहब इस एसिडिक हाइड्रेशन में अभी रिसेंटली नीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन क्या था उस पर हम बात करेंगे। पहले बताओ ये इन है या आइन है? क्या आइन ईएआर देगा या नहीं देगा? देगा। इन देगा या नहीं देगा? देगा। दोनों ईएआर देते हैं बट आइन के साथ में जो है डाइल्यूट H2SO4 के साथ जो है HgSO4 भी लिया जाता है। अब फाइनली बताओ कार्बोकैटायन ए पर ज्यादा स्टेबल या बी पर? सोच लो, टेक योर टाइम। ए पर 2 डिग्री बनेगा या 1 डिग्री? 3 डिग्री। और 1 पर 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल या 2 डिग्री? अच्छा 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल या 3 डिग्री? अच्छा 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल या रेजोनेंस स्टेबल? तो बताओ कार्बोकैटायन ए पर ज्यादा स्टेबल बनेगा या बी पर? ए पर। तो साहब पाई बॉन्ड घूमेगा एच प्लस को खाएगा और जब एच प्लस को खाएगा तो उस कैटायन पर जाकर जुड़ जाएगा OH। मतलब डाइल्यूट H2SO4 में जहां स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वहां पर आप बच्चों क्या जोड़ देंगे? OH। क्या जोड़ेंगे? OH। अब साहब मैंने ये वाला फोटो बनाया इस तरह से आपको दे दिया C CCH। बताओ कैटायन ए पर ज्यादा स्टेबल है या बी पर? क्या ए पर रज्जो स्टेबल कैटायन बनेगा क्या? और साहब इस कैटायन पर जो है H2O से क्या जुड़ जाएगा? OH। और यहां पर जैसे ही H2O से OH जुड़ा तो ये बना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, OH को ऑल बोलते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, OH को ऑल बोलते हैं। कौन सा फॉर्म बन गया? इनॉल। और जनरली इनॉल फॉर्म जो होता है अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। रैपिडली टॉटोमराइज होकर कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और साहब यही क्वेश्चन आपके नीट 2000 जो है अभी एक साल पहले, इस साल नहीं, इससे साल पहले जो है नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। तो यहां पर ये इनॉल अनस्टेबल है तो भाई साहब कैसे करेंगे? क्वेश्चन को देखिए, जहां पर OH जुड़ा है ना वहां डबल बॉन्ड O बना दो, जहां OH जुड़ा है वहां क्या बना दें? डबल बॉन्ड O। और बगल वाले कार्बन पर CH3 कर दो। ठीक है, बताओ क्या ये हेलोफॉर्म देगा? एल्डोल देगा? नेम रिएक्शन कनेक्ट करेंगे यहां से, एल्डोल देगा, हेलोफॉर्म देगा, टोलेन देगा, कहीं जा रो थोड़ी थोड़ी, अरे कहीं जा रहा इतनी से देगा नहीं देगा? चलिए जहां पर OH दिया है बेटा, जहां पर OH दिया है वहां पर क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड O। तो जहां OH दिया है वहां क्या बनेगा? डबल बॉन्ड O। और बगल वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा? CH3। बताइए एल्डिहाइड कीटोन। अच्छा नाम बताओ, एसीटोन या बेंजोफिनोन? एक ने बोला ऐसे ऐसे करके, बगैर कुछ नहीं बोला उसने। ठीक है बताओ एसीटोन है या बेंजोफिनोन? अगर दोनों तरफ CH3 नाम बताओ, एसीटोन एक तरफ, बेंजीन एसिडोफिनोन दोनों तरफ, बेंजीन कौन सा फिनोन? बेंजोफिनोन। तो भाई साहब अल्काइन में जो है डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या दिया होगा? HgSO4। क्या दिया होगा? HgSO4। और जहां स्टेबल कार्बोकैटायन है वहां पर आपको इसे जोड़ना है। जैसे साहब यहां पर ऐसा क्वेश्चन आ गया, फटाफट बताओ, अब हवा में करेंगे हम। बताओ कैटायन ए पर ज्यादा स्टेबल बी पर? जोड़ दो OH, जोड़ दो वहां पर। क्या यहां पर OH जुड़ गया? स्टेबल अनस्टेबल? अनस्टेबल टॉटोमराइज होकर क्या बनेगा? कीटो। कौन सा फॉर्म? कीटो। बनाओ प्रोडक्ट, बना बताओ प्रोडक्ट में कितनी करी ना टोटल? देखो स्टाइल है सबका अपना अपना झूठ बोलने का, कितनी करी ना है? 4। एल्डोल देगा? बात बहुत भारी है, एल्डोल देगा, हेलोफॉर्म कहीं जा रो टोलेन, टोलेन फेलिंग, फेलिंग टोलेन एल्डोल। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? साहब यहां पर लिखा है डाइल्यूट H2SO4 HgSO4। बताइए कैटायन ए पर ज्यादा स्टेबल बी पर? ए। ए पर क्या जुड़ जाएगा? OH। बगल वाले कार्बन पर क्या जुड़ेगा? H। बताइए कौन सा फॉर्म है? इनॉल। कौन सा फॉर्म है? इनॉल। स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। तो OH वाला कार्बन क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड O। और बगल वाले कार्बन पर क्या चला जाएगा? CH3।
बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? टोलेन देगा? टोलेन टोलेन टोलेन, एल्डोल एल्डोल एल्डोल, एलोफॉर्म एलोफॉर्म एलोफॉर्म, कहीं जा रो कहीं जा रो कहीं जा रो कहीं जा रो, एल्डोल। हम पढ़ रहे हैं ई ए आर, क्या पढ़ रहे हैं? ई ए आर। अच्छा, इथीन का इमेज, प्रॉप वन इन का इमेज आ रहा है दिमाग में? प्रॉप वन इन कितनी करीना? प्रॉप वन इन तीन करीना। एच प्लस जोड़ के कार्बोकेडाइन बनाओ, बनाया कितने अल्फा? बी आर जोड़ दो, बी आर जोड़ दो, जोड़ दिया। वन ब्रोमो टू ब्रोमो है, प्रोपीन का इमेज आ रहा है? एच प्लस जोड़ के कार्बोकेडाइन बनाओ, कितने अल्फा? सी एल जोड़ दो, नाम बताओ। टू ग्लो, टू ग्लो, पूरा बोलना होता है ना, ठीक है। प्रोपीन का इमेज आ रहा है? एच प्लस जोड़ के कार्बोकेडाइन बनाओ, बनाया कार्बोकेडाइन, बनाया। वाटर जोड़ दो, बताइए वाटर से क्या जुड़ेगा? ओ है, क्या जुड़ेगा? ओ है, क्या बना? प्रोपेन टू ऑल, क्या बना? प्रोपेन टू ऑल। एल्कोहल बनाइए, एल्डिहाइड, प्राइमरी सेकेंडरी, पीसीसी डालो, सेकेंडरी एल्कोहल क्या बनेगा? कीटोन, कीटोन का नाम बताओ। एसीटोन हेलोफॉर्म देगा, एल्डोल देगा, कैनिजारो देगा, कैनिजारो हेलोफॉर्म, हवा में हो पा रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखो जो नहीं आया था वो झटके खा रहा है, बाकी तो जो है हो पा रहा है, ठीक है। क्योंकि कहानी बहुत खतरनाक है और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड बातें हम यहां पर कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग के दो रिएक्शन में तो साफ रीअरेंजमेंट होता है और बाकी में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। और कैसे नहीं होता है, एरो देखो, एरो, एरो पर बताओ क्या आपको बोलवे दिख रहा है? दिख रहा है ना बोलवे? अच्छा अब बताओ एरो पर क्या आपको क्या दिख रहा है? ईएसआर, एफएसआर या ईएआर? अगर सीएल टू रोशनी होता तो एफएसआर, एनबीएस होता तो एफएसआर, सीएल टू एएलसीएल थ्री होता तो ईएसआर, बीआर टू एफईबीआर थ्री, एचएनओ थ्री एसटूएसओ फोर, रीमा टीमा, कार्बिन तो है, ईएसआर है, एफएसआर है। पता चले क्वेश्चन में पूछा रीमा टीमा क्या है, आपने कहा कार्बिन है, ठीक है, वहां पूछा ईएसआर है, एफएसआर है, बताओ रीमा टीमा बोल बे? क्या एरो पर एससीएल दिखा है क्या? तो क्या है ये? ईएआर, ईएआर अल्कीन देता है, अल्काइन या दोनों? एच प्लस जोड़ के कार्बोकेडाइन बनाओ, कितने अल्फा? बेटा पड़ोस में जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? सीएल जोड़े बीआर, सीएल जोड़ा साहब। अब साहब यहां पर लिखा एल सी एल थ्री और साथ में आपको दे दिया बेंजीन, तो भैया एल सी एल थ्री बंधन तुड़वाएगा, तुड़वाने के बाद केटाइन बनाएगा, ये केटाइन एज ए इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर चला जाएगा और यहां पर बनेगा मीन 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 क्यूमिन। क्यूमिन के पास अल्फा हाइड्रोजन चार है या छह? कितना है? एक। अल्फा हाइड्रोजन कितना है? हॉट एसिडिक केमेनोफो डालो, अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना क्या बनेगी? एसए। क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है? ये है, ये क्या बनेगा? एसिड। अब साहब एसिड बेस फास्ट होता है स्लो होता है? अच्छा एसिड का रिंग पर प्लस एम या माइनस एम कहां का लगेगा? ऑर्थोपेरा आबाद बर्बाद आबाद। तो साहब यहां पर मैंने डाला निमोनिया, क्या डाला? निमोनिया। निमोनिया एक तरह का क्या है? बेस को क्या पसंद है? एसिड को क्या पसंद है? एसिड ने किसे देखा? बेस ने किसे देखा? आंखों आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस होगा या नहीं होगा? क्या एसिड बेस को आप लोग रोक पाओगे क्या? और साहब यहां पर बन जाएगा सॉल्ट, क्या बन जाएगा? सॉल्ट। तो यहां पर बन गया सॉल्ट और इस सॉल्ट को अगर हीट कर दें तो यहां से पानी निकलेगा और पानी निकलने के बाद साहब यहां पर बन जाएगा अमाइड। कौन सा माइड? अमाइड, अमाइड बन गया। क्या बना? अमाइड। अब नया रिएजेंट यूज कर रहा हूं, ध्यान रखना, हो सकता है मैंने आपको बताया ना हो। यहां पर मैंने डाला Br2KOH, क्या डाला? Br2KOH।
रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। क्या नाम है? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम में आने वाली रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम बताओ, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हम क्या करेंगे, इस अमाइड में जो है इस बेंजीन और नाइट्रोजन के बीच में से सीओ को निकाल लेंगे और इस नाइट्रोजन और करीना को जोड़ देंगे। इसे हम बोलेंगे ताली वाला। क्या बोलेंगे? नाली वाला या ताली वाला? इसके जबड़े से क्या निकालेंगे? सीओ, और दोनों को जोड़ देंगे। क्या बनेगा? एनिलीन। क्या बनेगा? एनिलीन। तो साहब यहां पर Br2KOH आ गया, तो Br2KOH इन दोनों के बीच में से सीओ निकाल देगा और यहां पर बन जाएगा एनिलीन। रिएक्शन को हम याद रखेंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड, नहीं क्या याद रखेंगे? ताली वाला। क्या? नाली वाला, ताली वाला। ताली वाला कौन देता है? अमाइड। क्या देता है? अमाइड। बताइए यहां से यहां जाने पर क्या एक करीना कम हो रही है? क्या हो रही है? नहीं हो रही है। अच्छा यह बताइए, यहां पर अगर आपको ये दे दिया, बताओ Br2KOH डाला ताली वाला है या नहीं है? तो बताइए इसके जवाड़े से क्या निकालेंगे? सीओ। दोनों को जोड़ देंगे, वहां जाने पर करीना एक ज्यादा या कम? ज्यादा कम। क्या बना? मिथेनामाइन, इथेनामाइन। अब आप मुझे बताइए उधर जाने पर क्या बना? मुझे नहीं आता, मेरा तो बुढ़ापा आ गया। इथेनामाइन। अब बताइए क्या बना? अब बताओ 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 क्या बना? क्या बना? तो क्या इसके जवाड़े से सीओ हटाकर ऐसे जोड़ देंगे? क्या इसे क्या बोलेंगे? नाली वाला, ताली वाला। तो ताली वाला Br2KOH अमाइड में से क्या निकाल देता है? सीओ। ये याद होना बहुत जरूरी है, हो जाएगा, मेरी जिम्मेदारी, टेंशन मत लो आप, ठीक है। अब बताओ ये एनिलीन है या नहीं है? है। और एनिलीन में अगर मैंने डाल दिया NaNO2HCl तो साहब ये होता है डाई एजोटाइजेशन। क्या होता है? डाई एजोटाइजेशन। और डाई एजोटाइजेशन में यहां बनता है BDC। क्या बनता है? अच्छा मैंने आपको क्या कपल बनाना सिखाया था क्या? क्या जिंदगी रंगीन हो गई थी क्या? एक से दो मिलने पर कपल बनता है, कपल बनने पर जिंदगी क्या होती है? रंगीन। तो भैया ये कपलिंग रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल भी है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा ये BDC है, इस BDC को बेंजीन बनाना आता है? क्या डालते हैं? H3PO2 और इथेनॉल। साहब H3PO2 और इथेनॉल, दोनों में से कुछ भी डालो, BDC को क्या बनाएगा? बेंजीन। तो देखो रिएक्शन EAR से स्टार्ट हुआ और बेंजीन में जाकर घुस गया, कहीं भी घुस सकता है। अब देखो अगला रिएक्शन, ये बताओ H+H2O, पहले तो बताओ H+ की प्रेजेंस में कैटायन A पर बनेगा B पर? A। बना दो B पर, कितने अल्फा? बेटा अड़ोस पड़ोस में जाएगा, पानी पिलाओ, पानी पानी पिलाएंगे क्या? दारू बन गया। दारू बनने से बताइए प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी? PCC डालना आता है क्या? सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कीटोन। कीटोन का नाम बताओ। ये एसीटोन है क्या? दिमाग खराब है? ये टोलन देगा? दे देगा। प्रज्वल प्रणव जो भी है भाई साहब, देगा या नहीं देगा? अच्छा हेलोफॉर्म देगा? हेलोफॉर्म। अल्डोल कहीं जा रो? कहीं जा रो? अल्डोल, अल्डोल। अल्डोल, हेलोफॉर्म, कैनिजारो, ओनली कौन देता है? कौन सा हाइड? LDR। ये कौन देता है? LD और कीटोन। ये कौन देता है? LD और कीटोन। LD अपना LDI, प्यार से बोल रहे हैं, ठीक है। तो बताओ ये एल्डोल कौन कौन देता है? LDI एंड कीटोन। वो पापी जो नहीं थे उनके लिए जो है मैं थोड़ा सा बेचारे परेशान हो रहे हैं, वो इसलिए जो है मैं रहम कर रहा हूं उनके ऊपर, ठीक है। बताओ एल्डोल कौन देता है? LDI एंड कीटोन। हेलो फॉर्म क्या नहीं जा रो? ओनली LDI, ओनली LDI। ये बताओ बेटा LDI कीटोन है? ये बताओ LDI कीटोन है? ये बताओ LDI कीटोन है? कीटोन है। वाह शिवम, आजकल LDI तुझे कीटोन दिख रहा है? कटरीना पसंद है तुझे?
ओके देखो, जिस कार्बन से एल्डिहाइड जुड़ा, जिस कार्बन से एल्डिहाइड जुड़ा उसे बोलते हैं अल्फा. क्या बोलते हैं? अल्फा. जिस कार्बन से कीटोन जुड़ा उसे बोलते हैं अल्फा. वो सारे एल्डिहाइड कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन 3 होंगे कौन सा रिएक्शन देंगे? हैलोफॉर्म. कौन सा फॉर्म? हैलोफॉर्म. साहब जिस कार्बन से एल्डिहाइड जुड़ा उसे बोला जाएगा अल्फा. क्या ये अल्फा है? ये अल्फा है. कितने अल्फा हाइड्रोजन? ओके. जिस कार्बन से कीटोन जुड़ा उस कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा. कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3. एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन 1, हेलोफॉर्म के लिए 3, और केनिजारो ओनली कौन देता है? एल्डिहाइड. वो भी अल्फा हाइड्रोजन कितना? 0. ठीक है, तो बताओ एल्डोल के लिए अल्फा, एल्डोल, हेलोफॉर्म, बताओ एल्डोल कौन कौन देता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन. अल्फा हाइड्रोजन, हेलोफॉर्म कौन कौन देता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन. अल्फा हाइड्रोजन और केनिजारो ओनली कौन देता है? एल्डिहाइड. और अल्फा हाइड्रोजन 0. अब साहब दिस इज द एल्डिहाइड, कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 0. यहां पर साहब जो है ये फोटो दे दिया, यहां हाइड्रोजन ही नहीं है, करीना ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुकी है, तो अल्फा हाइड्रोजन 0. केनिजारो ओनली कौन देता है? एल्डिहाइड. अब बताओ क्या ये हेलोफॉर्म देगा? अच्छा हेलोफॉर्म देगा, एल्डोल देगा, एल्डोल, हेलोफॉर्म, एल्डोल, एल्डोल, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म, एल्डोल, हेलोफॉर्म, एल्डोल, हेलोफॉर्म, एल्डोल, एल्डोल, हेलोफॉर्म. क्या ये कंपाउंड हेलोफॉर्म देता है? एल्डोल देता है. क्या ये वही कंपाउंड है जो एल्डोल हेलोफॉर्म तो देता है मगर केनिजारो नहीं देता? केनिजारो के लिए अल्फा ओनली कौन देता है? हेलोफॉर्म के लिए अल्फा, एल्डोल के लिए, हेलोफॉर्म के लिए, एल्डोल के लिए, केनिजारो के लिए, हेलोफॉर्म के लिए, हेलोफॉर्म के लिए, एल्डोल के लिए, केनिजारो के लिए, हेलोफॉर्म के लिए, हेलोफॉर्म, 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 एल्डोल, हेलोफॉर्म के लिए, एल्डोल, केनिजारो, केनिजारो, केनिजारो. तो बताइए पापियो ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? हेलोफॉर्म देगा, एल्डोल देगा? अच्छा बताओ हेलोफॉर्म देगा, हेलोफॉर्म? अबे दो ही है, अगल वाली के पास हो या बगल वाली के पास हो उसका काम चल जाएगा. ठीक है, अब बताइए एल्डोल, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म, केनिजारो, केनिजारो. अच्छा बताइए क्या एल्डोल, हेलोफॉर्म? ए और बी दोनों देख लो, बहुत ध्यान से क्वेश्चन फेंकूंगा आपके ऊपर. ठीक है, डरो मत, डरो मत, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, ओनली खून निकलता है, ज्यादा नहीं लगती. ठीक है, इधर देखो, ए और बी में से वो कौन सा कंपाउंड जो हेलोफॉर्म देता है मगर एल्डोल नहीं देता? अब ए और बी में से वो कंपाउंड बताओ जो एल्डोल देता है मगर हेलोफॉर्म नहीं देता. हेलोफॉर्म देता है और एल्डोल भी देता है. हाँ हाँ मुझे पता है तुम बी, बी पसंद है तुम्हें. ठीक है, सी, यू कैन सी. ठीक है, बताओ ए बी सी में से वो कौन सा कंपाउंड है जो केनिजारो देता है, एल्डोल देता है? बी. ठीक है, ए बी सी डी में से वो पहचानो जो एल्डोल भी देता है, हेलोफॉर्म भी देता है. बी 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 क्या? बी और डी पक्का? ए ए आया, आंसर आया. ये दोनों ये डायगोनली हैं, इसलिए कोई कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है फिजिक्स का है कि यहां से इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके और एंगल एंगल निकाल के इस तरह से आंसर है. अब बहुत ध्यान से, एबीसीडी में से केनिजारो कौन देता है? एल्डोल. ए बी, गूंगे नहीं बनना, आगे भी बोलना है. ए बी, हेलोफॉर्म,
बी और डी। हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म, कहने जा रहो, कहने जा रहो, हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म, देख के बोल, कोई दिक्कत नहीं उधर, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म, एल्डोल, एल्डोल, कहने जा रहो, एल्डोल, हेलो फॉर्म, एल्डोल, हेलो फॉर्म, ओनली हेलो फॉर्म, ओके। टॉलेन फेलिंग बेनेडिक एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता। टॉलेन फेलिंग बेनेडिक एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता। टॉलेन फेलिंग बेनेडिक एल्डिहाइड देता है और कीटोन नहीं देता, बताओ पहला क्या है? पहला ऑप्शन देखो, एल्डिहाइड है, कीटोन, टॉलेन देगा, फेलिंग बेनेडिक, दूसरा बी ऑप्शन, एल्डिहाइड है, कीटोन, टॉलेन देगा, हेलो फॉर्म, ओके, टॉलेन, फेलिंग, फेलिंग, बेनेडिक, एल्डिहाइड देता, कीटोन नहीं देता। अब मत सोच ज्यादा, हाइड्रोजन मत गिन, आगे बढ़ो। सी, एल्डोल, एल्डोल, फुल गलत गलत पेल रहा है और फिर उसके बाद दिमाग और लगा रहा है यूं करके। खुजाने से दिमाग काम करता है क्या? नहीं करता ना। चलो बताओ, एल फेलिंग टॉलेन बेनेडिक कौन देता है? एल्डिहाइड। टॉलेन फेलिंग बेनेडिक कौन देता है? एल्डिहाइड। बताओ ए, एल्डिहाइड है, कीटोन, टॉलेन, फेलिंग, बेनेडिक, बी देखो, एल्डिहाइड है, कीटोन, टॉलेन, टॉलेन, फेलिंग, बेनेडिक, सी एल्डिहाइड है, कीटोन, टॉलेन, टॉलेन, फेलिंग, बेनेडिक, बेनेडिक, डी एल्डिहाइड है, कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन, टॉलेन, फेलिंग, बेनेडिक, ओके, ए एल्डिहाइड है, कीटोन, एल्डोल, एल्डोल नहीं देगा ना। हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म, एल्डोल, 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 क्या चल रहा है? कुछ नहीं, कॉपी ओपी खींच रहे हैं, कुछ मंगा दे खाने के लिए, नहीं कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, वो देखो भुक्कड़ लोग आ गए, ठीक है। बताओ ए, जो विद्यार्थी जीवन में भुक्कड़ ही रहना चाहिए, खाना खाने के बाद भी खाना खाना चाहिए, कौन है ये? ओके ओके, आ रही पार्टी, बाल्टी आ रही है, अभी आ रही है, ठीक है, ओके। ए देखो, टॉलेन, फेलिंग, बेनेडिक, एल्डोल, हेलो फॉर्म, कहने जा रहो, समझ में आ रहा है? बी पे आओ, टॉलेन, मेरी तरफ मत देखो, उधर देखो, चालियां क्या वहां होगी, आंसर भी वहां से दोगे, बी का आंसर सोच रहा हूं, टॉलेन, बेनेडिक, फेलिंग, एल्डोल, हेलो फॉर्म, कहने जा रहो, वेरी गुड। सी, ये मत सोचना आप सही कर रहे हो, मैं सही करवा रहा हूं आपसे, ठीक है, मैं गलत भी करवा सकता हूं। सी, टॉलेन, फेलिंग, बेनेडिक, कहने जा रहो, हेलो फॉर्म, एल्डोल, डी, टॉलेन, फेलिंग, बेनेडिक, बेनेडिक, हेलो फॉर्म, एल्डोल, कहने जा रहो, ठीक है, हो गया। अब रफ्तार में बोल दो, हेलो फॉर्म, यहां तो एच ही नहीं है, अरे कहां है, दिख रहे हैं क्या, गर्मी में चमकते हैं एच आपको? हेलो फॉर्म, टॉलेन, फेलिंग, बेनेडिक, क्या ये वही कंपाउंड है जो टॉलेन नहीं देता मगर हेलो फॉर्म देता है? क्या ये वही कंपाउंड है जो फेलिंग नहीं देता मगर एल्डोल देता है?
क्या ये वही कंपाउंड है जो बेनेडिक्ट नहीं देता मगर एल्डोल देता है? क्या ये वही कंपाउंड है जो टॉलिन फैलिंग बेनेडिक्ट कैनिजारो नहीं देता मगर हेलोफॉर्म एल्डोल देता है? समझ में आया मैंने क्या पूछा है? रियजेंट पहचानो साहब, ईएआर या एफएआर? है ईएआर। रीअरेंजमेंट होता है? बताओ कार बगड़ा ए पर बी पर? अभी क्या बेटा कार बगड़ा पड़ोस में जाएगा? क्या बोलेगा? जाऊंगा। और वहां जाकर क्या जुड़ जाएगा? बी आर। एस सी एल होता तो क्या जुड़ता? सी है। एच आई होता तो एच प्लस एस टू ओ। बताओ रीअरेंजमेंट कौन सा? हाइड्रेशन। डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट मतलब पानी। H2SO4 क्या भेजता है? H प्लस। रिएक्शन का नाम है हाइड्रेशन और H प्लस की वजह से एसिडिक हाइड्रेशन। कौन सा हाइड्रेशन? एसिडिक हाइड्रेशन। बताओ कार्बोकडाइन ए पर बी पर? बना दो। रीअरेंजमेंट होता है क्या इसमें? होता है या नहीं होता है? नहीं होता। दीदी ने मना कराया, होता है या नहीं होता है? तो बेटा पड़ोस में जाएगा? ले जाओ। अच्छा पानी पिलाएं या भारी पानी? भारी पानी पिलाएगा। अबे पानी दिया है, पानी पिलाए ना। क्या जल जोड़ेंगे? ओएच। दारू बन गई। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नर्सरी। ओके अगला भाई साहब रिएक्शन है मरकरी एसीटेट एंड वाटर और साहब NaBH4। बताओ रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा बताओ स्टेबल कैटाइन ए पर या बी पर? बी पर। बस आप स्टेबल कैटाइन पर H2O से ग्रुप जोड़ देना। स्टेबल कैटाइन पर H2O से क्या जोड़ देंगे? OH। D2 होता तो H2O होता तो रीअरेंजमेंट होता है? होता है या नहीं होता है? तो साहब बी पर जो है आप क्या जोड़ देंगे? OH। यहां भी दारू बनी, यहां भी दारू बनी। अगर रीअरेंजमेंट वाली दारू बनानी है तो साहब एसिडिक हाइड्रेशन। विदाउट रीअरेंजमेंट दारू बनानी है तो OMDM। कौन सा DM? OMDM। और साहब अगला रिएक्शन, दिस इज नोन एज अ OMDM रिएक्शन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन रिएक्शन। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन रिएक्शन। अभी पूछूंगा आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे दे के कि कौन सी रिएक्शन है, तभी जीतेंगे हम। बताओ इससे क्या बनी? दारू। इससे क्या बनी? दारू। अगर रीअरेंजमेंट वाली बनानी है तो एसिडिक हाइड्रेशन, विदाउट रीअरेंजमेंट OMDM। अच्छा स्टेरिक रिपल्शन जानते हैं आप लोग या नहीं जानते हैं? जैसे यहां पर इसके बगल में जो है खली बैठ गया, स्टेरिक रिपल्शन बढ़ गया या कम हो गया? और कटरीना बैठ गई दुबली पतली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जैसे ये खड़े भाई सब, बताओ ये स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट करेगा क्या? इसमें है या नहीं है? बैठो ठीक है। अब साहब वो प्रणव के पीछे, प्रज्वल के पीछे, यस खड़े हो। अब बताओ स्टेरिक लगाएगा नहीं लगाएगा? ये लगाएगा ना। तो अगर बड़े ग्रुप आ जाए तो स्टेरिक रिपल्शन है और छोटे ग्रुप आ जाए तो स्टेरिक नहीं है। शुक्रिया भाई साहब, बैठिए आप ठीक है। अब यहां पर आप मुझे बताना, कर लेंगे रिएक्शन, कुछ नहीं है। बताओ हाइड्रोजन हल्की है या बल्कि? हल्की। अच्छा इस करीना पर CH3 कैसा? बल्कि। और इस करीना पर CH3 कैसा? बल्कि। अच्छा ए और बी में हल्की कहां है, बल्कि कहां है? स्टेरिक रिपल्शन कम कहां पर है? स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा कहां पर है? बताओ लेस क्राउडेड कौन है? मोर क्राउडेड। लेस क्राउडेड, मोर क्राउडेड। ओके अब बताना साहब यहां पर जो है आईसा ग्रुप लगा दिया महाबल्की, यहां भी लगा दिया महाबल्की। बताओ इस लेस क्राउडेड, क्राउडिंग कंपैरिजन में होती है, किस में होती है? कंपैरिजन ठीक है। तो ये महाबल्की है इसलिए लेस क्राउडेड कौन है? ए। बस इसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगला, वो फर्जी है। हाइड्रोजन वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन ज्यादा है कम है, उससे बर्बाद हो जाओगे, ध्यान रखना। ये बताओ ए और बी, बताओ ए और बी पे हल्की कहां है? लेस क्राउडेड। 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 लेस क्राउडेड।
लेस क्राउडेड, ओके बताओ लेस क्राउडेड, लेस क्राउडेड, स्टेबल कैटाइन, लेस क्राउडेड, ओके। अगला रिएक्शन है साहब एचबीओ, क्या है एचबीओ, और एचबीओ में दिया होता है BS3 और सेकेंड स्टेप में H2O2OH दिया होता है, ठीक है। और इसमें भी दारू, 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 इसमें भी दारू। रीअरेंजमेंट वाली दारू किसमें, एसिडिक हाइड्रेशन, विदाउट रीअरेंजमेंट ONDI, और अगर लेस क्राउडेड कार्बन पे दारू बनानी है तो कौन सा मेथड, HBO। तो साहब यहां पर इस H2O2 से जो है यहां पर क्या बन जाएगा, OH। अब रिएक्टेंट बताओ, इसको देखो, लेस क्राउडेड ABC कहां बन रहा है, सी। अब आप मुझे बताना क्वेश्चन का आंसर, बताना क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे दिया ABC, मुझे दारू बनानी है, तीन तरीके से दारू बनाना सिखाया, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये वाली दारू किससे बनेगी, कैसे बनेगी, सबको आता है, मैं सिखा दूंगा किससे बनेगी ये पूछा जाएगा। बताओ मुझे ए पर दारू बनानी है ONDI या HBO, मुझे बी पर बनानी है और मुझे सी पर बनानी है, बोलो एसिडिक हाइड्रेशन, बोलो, सुनाई नहीं दिया, नहीं सुनाई दे रहा, मुझे रीअरेंजमेंट वाली दारू बनानी है तो कौन सा है, एसिडिक हाइड्रेशन, कार्बोकेटाइन से बनानी है ONDI, लेस क्राउडेड। अच्छा मुझे यहां पर सी पर बनानी है, मुझे ए पर बनानी है, मुझे बी पर बनानी है, ओके ओके ऑल पापीज, भाई साहब मुझे ए पर दारू बनानी है, क्या HBO लेस क्राउडेड पे जाता है क्या या नहीं जाता है, तो अगर लेस क्राउडेड पे दारू बनानी है तो कौन सा मेथड, HBO। अब मैं दारू बना देता हूं, आप मुझे बताना कौन सा रिएक्शन यूज करा गया है, रेडी या नॉट रेडी, है वो रेडी, अब ये सुनने में आगे बोलो ONDI, कौन सा है ONDI, अब बताओ कौन सा बीओ, गजब यार, शानदार प्रदर्शन के साथ। अब मैं दारू बनाकर दे रहा हूं आपको, ठीक है, क्या भाई साहब यहां कैटाइन बनेगा, बेटा पड़ोस में नहीं घर की बहू बनेगी, क्योंकि 5 मेंबर से कितना बन जाएगी, 6, स्टेबल अनस्टेबल, स्टेबल, ओके। अब बताओ आंसर, बोलो आंसर जल्दी बोलो, HBO, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो साहब लेस क्राउडेड कार्बन पे दारू बनानी है, पहले बताओ HBr HClHi में रीअरेंजमेंट होता है, डायल्यूट SO4, ONDI, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, हेलोजिनेशन, HBO, ओके। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसको समाप्त करके एंटर करेंगे अगले रिएक्शन में जो FAR है, उसके बाद नार में, फिर नार में ये नेम रिएक्शन है जो आपको याद करा रहा हूं वो काम आएगी हमारे। एसीटोन का इमेज आ रहा है, दोनों तरफ कितने CH3, एसिटोफिनोन में एक तरफ बेंजीन, एक तरफ हेलो 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 एक तरफ बेंजीन, तो नाम एसिटोफिनोन, दोनों तरफ बेंजीन, दोनों तरफ CH, ओके धन्यवाद, बाय।